मान लीजिए मीटिंग हमें करना है, ऑनलाइन मीटिंग करना है, ओके, और उसको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड भी करना है. देन हाउ वी कैन डू दैट, सिंपली इफ यू वांट टू डू एनी रिकॉर्डिंग, यू हैव टू स्टार्ट योर रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर. ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए जूम मीटिंग हमें करना है. मैं जूम सबसे पहले एक मीटिंग ओपन कर लेता हूँ. जूम मीटिंग में सबसे पहले इनवाइट, सेंड इनविटेशन, या ये लिंक होता है, इसे आप कॉपी करके भेज देते हैं, तो जो भी होगा इसके थ्रू आपसे ज्वाइन हो जाएगा ऑनलाइन. और जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल सभी ऑनलाइन ज्वाइन हो गए, तो आप टाइम अपना मीटिंग स्टार्ट करते हो. लेट अस स्टार्ट द मीटिंग. ओके, यहाँ पर एक मीटिंग स्टार्ट हो गई है. अभी मैं क्योंकि अकेला ही हूं तो इसमें कोई नहीं है. देन बेसिकली यहाँ पे मीटिंग हमारी स्टार्टेड है. अब अगर आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इस मीटिंग को, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन बच्चे भी आ रहे होंगे, रिकॉर्डिंग आपको चाहिए होगी बाद में, तो यहाँ पर स्क्रीन शेयर पे जाइए, मीन्स स्क्रीन रिकॉर्डर पे. स्क्रीन रिकॉर्डर पे सेम प्रोसेस ऑप्ट करिए, सिस्टम प्लस माइक, और स्टार्ट रिकॉर्डिंग करिए. एंड अगेन यहाँ पर पूरा शेयर कर दीजिए, इसके लिए भी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए. नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्टेड. ओके, जूम पे, ओ सॉरी, मीट पे. अब यहाँ पर बेसिकली आप जाते हो कि क्या क्या फीचर है मीट का. तो यहाँ पर आप देखो, बोलने का फीचर है. देन आप ऑडियो और वीडियो ओपन कर सकते हैं, इसके लिए है. देन आपका कैप्शन ऑन है, ऑफ है. जैसे शेयरिंग में, जूम में करते हैं, यहाँ पर शेयरिंग ऑप्शन है, इंटायर स्क्रीन टैब. ओके, मीट में आप कर सकते हैं. देन यहाँ थ्री डॉट लगा हुआ है. थ्री डॉट में व्हाइट बोर्ड, यहाँ पर देखिए व्हाइट बोर्ड, जो अभी मैंने आपको एमएस पेंट लेके बताया. ओके, वो चीज आप व्हाइट बोर्ड ओपन जैम करके है, ओपन कर सकते हैं एंड पढ़ा सकते हैं. आपको मीटिंग एंड करना है, देन यू हैव टू क्लोज दिस बटन, रेड बटन क्लोज हो जाएगा. ओके, नाउ हियर यू वांट टू सी कितने पार्टिसिपेंट्स हैं. तो इस साइड में आप पार्टिसिपेंट्स देख सकते हैं, अभी ओनली हम ही हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है. देन कोई पर्टिकुलरली मैसेज या आप चैट बॉक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं. ओके, नाउ यहाँ पर एक्टिविटीज है, आप क्लिक करेंगे तो व्हाइट बोर्डिंग, व्हाइट बोर्डिंग मीन्स आप स्केच कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, और उस स्क्रीन पे कुछ भी बना सकते हैं, जैसा कि अभी किसी ने कुछ बनाया भी है. ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ. व्हाइट बोर्ड स्टार्ट न्यू सेशन, जैसे आप ये क्लिक करेंगे ये एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा. रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके, नो प्रॉब्लम. तो क्रिएटिंग एग्जाम यहाँ पर आ रहा है, जस्ट ए व्हाइट बोर्ड, ये आपका व्हाइट बोर्ड है, जैसा कि एमएस पेंट में था. ओके, तो यहाँ पर इसका फीचर ये है कि आप यहाँ से पेन ले सकते हो. ओके, डिफरेंट कलर पेन ले सकते हो. देन यू कैन मेक, मीन्स हमारे पास राइटिंग पैड है, तो मैं राइटिंग पैड से यूज कर सकता हूँ, लाइक वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, समथिंग लाइक दैट. एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका थिकनेस कम या ज्यादा भी कर सकते हैं. ओके, कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी कलर आप ले लीजिए, ठीक है. और आप यहाँ पर देख लीजिए इरेजर है, इसको लेने से आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है. देन सिलेक्शन का पॉइंट है, ओके, स्टिकी नोट, अगर आपको कुछ नोट करना है, कोई पिक्चर या इमेज ऐड करना है कैमरे से, अपलोड गूगल से, राइट, गूगल सर्च करके, या गूगल ड्राइव से, अगर कोई ड्राइव में भी आपके फिगर है या पिक्चर है तो यहाँ पर लाके आप अपलोड कर सकते हैं. ओके, देन गूगल फोटोज अगर आपने डाला है तो उस पर ले सकते हैं, कैमरे से आप ले सकते हैं. ओके, यहाँ पे अलाउ कर देंगे तो कैमरे से भी फोटो वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं. तो ये पिक्चर कैमरे हैं और आप यहाँ पर लिखने को लिख सकते हैं. तो कुछ नहीं करना है तो यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, आपका व्हाइट बोर्ड ओपन रहेगा. और ये व्हाइट बोर्ड जस्ट लाइक योर ब्लैक बोर्ड है, आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं. ओके, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इक्वेशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को किस में आता है,
मैथमेटिक्स में। उसमें हम लोग इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। नाउ लेट ये आपका पेज भर गया है, ओके, देन यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट 2x2। आप नया पेज भी ओपन कर सकते हैं। आप नया पेज ओपन करेंगे तो यहां पर आप कुछ भी 3x3, जब आपका कंटेंट हो जाए तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ओके। सारी चीजें ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं और रिकॉर्डिंग हो रही है। देन मान लीजिए वर्क हो गया, जैम बोर्ड से हो गया, आपके ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े थे 60-70 बच्चे जो भी हैं, दे विल गेट द ऑल द कंटेंट इंफॉर्मेशन, और आप चाहते हैं कि इसको क्लोज करना है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ओके। जैसे ही आप यहाँ क्लोज करेंगे, आपका ये चूंकि मीट चल रहा होगा, मीट को क्लोज कर दीजिए, ओके। गूगल मीट हमने क्लोज कर दिया, देन व्हाट हैपेंड, अभी आपका एक एप्लीकेशन चल रहा है रिकॉर्डिंग। अगर आप देखें तो रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप स्क्रीन रिकॉर्डर इज, यहाँ पर आप पढ़िए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयरिंग योर स्क्रीन एंड ऑडियो स्टॉप शेयरिंग। जैसे ही मैं स्टॉप शेयरिंग करूंगा, ओके, देन यहाँ पर एक सेव होके आ गया होगा। अगर आपको सुनना है कि क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है तो मैं अभी स्टॉप हो रहा हूँ, आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप सुन लीजिए कि आपने ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन मोड हुआ है, मीट में आपने लोगों को जोड़ा है गूगल मीट में, वहां पे स्क्रीन रिकॉर्डर आपने ऑन कर दिया है, देन आप जो है जैम एज ए ब्लैक बोर्ड आप यूज कर रहे हैं हैंड से लिखने के लिए, सिंपल एज दैट। पीपीटी वगैरह है तो सिंपल सा शेयर हो जाता है, जैसे मैंने शेयर किया हुआ है। तो यहां पर आप सुनिए, ऑडियो नहीं आ रहा है। हाँ सर, नहीं अभी सर पानी पी रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं, इस कंटेंट को भी, ओके। तो बेसिकली आप इसको सेव करके यूट्यूब पे जाके इसको अपलोड भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बच्चे पढ़ भी लिए हैं, क्योंकि आपने मीट में बच्चों को ऐड किया है, तो अगर इन फ्यूचर बच्चे रिक्वायरमेंट करते हैं कि उस लेक्चर का हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आपके पास में होना चाहिए और उसको आप शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकॉर्डर, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो स्क्रीन रिकॉर्डर प्लस एमएस पेंट एंड यूट्यूब, यूट्यूब वाला पार्ट बचा हुआ है अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने डॉक्यूमेंट जो भी है एज ए वीडियो जो है उसको आपने सेव कर लिया है और यूट्यूब से। दूसरा मैंने मोड आपको बताया था, दैट इज स्क्रीन रिकॉर्डर प्लस गूगल मीट प्लस जैम बोर्ड वहां पर इनबिल्डेड आता है मीट में, और थर्ड पार्टी का रहता है, बट तो इंटरफेस करके आप बना सकते हो। उसके करस्पॉन्डिंगली आप क्लास 40-50 का लेके वीडियो बना लीजिए। देन अ प्रॉब्लम आता है, बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू अपलोड दीज वीडियोज ऑन यूट्यूब, क्योंकि कोई भी ऐसा, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि कहीं पे भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम लोग बेसिकली अपने वीडियो बनाए अपने सब्जेक्ट का और उसको हम अपलोड कर दें, ओके। बेसिकली क्या है कि इसके लिए सर्वर का, डीएनएस का, इन सब का लेना जरूरी होता है, लाइसेंस होते हैं। तो हम लोग हेल्प लेते हैं कि कुछ ऐसे ओपन वेबसाइट्स हों जहां पर हम यूज कर पाए। जैसा कि आप अभी देखिए यहाँ साइट है क्लासरूम एंड साइट, जो कि कल आपका सेशन लिया जाएगा,
मिस्टर रोहित तिवारी के द्वारा, तो वो बताएंगे आपको कैसे इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक योर वेबसाइट होस्टिंग, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है जितना कि आप यूट्यूब पे जाके कर सकते हैं। यूट्यूब पर कई सारे एडवांटेज हैं, यहाँ पर किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आपको उनके नॉर्म्स और कंडीशंस फॉलो करने हैं, ओके। और बेसिकली यहाँ पर आप अपने वीडियोस, अपने स्पेशलाइज लेक्चर्स, अपने टॉपिक जो हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। देन इसको अगर समझें यूट्यूब को, तो अगेन हमें वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेसिकली यूट्यूब आप ऐप पे जाएं, YouTube ओपन करें, ओके। तो जैसे मैं YouTube अगर ओपन करूंगा, तो चूंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगा जो कि मुझे फर्स्ट टाइम एनी यूजर को फेस होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सेकेंड उससे जाऊंगा, ईमेल आईडी से, जिसपे कि यूट्यूब को मैंने अभी तक पहले तक इंस्टॉल या पहला वीडियो अपलोड नहीं किया है। थोड़ा सा ट्रिक है जब आप पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट साइनिंग इन विद द अनदर अकाउंट। ओके, सो एक अकाउंट मेरा ओपन हुआ है, ओके। सो इसमें क्या है कि आप ऐप में जाइए, YouTube पे क्लिक करिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे YouTube क्लिक करूंगा और कोई वीडियो मैं जो बनाया हुआ हूँ उसको अपलोड करना चाहूंगा, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके वीडियोज हैं, ओके, लाइब्रेरीज है, और उसके बेसिस पे आपके हैंगआउट्स हैं, सब हैं जो कि अदर अदर लोगों के हैं। अब आपको खुद का करना है, तो आपको खुद के करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो होम दिया है, एक्सप्लोर है, सब्सक्रिप्शन है, लाइब्रेरी, हिस्ट्री, योर वीडियोस, ओके। तो अगर हम योर वीडियोस में जाएं, यहाँ पर बेसिकली आई थिंक हमारा ये लॉगिन जो है इसी का दिखा रहा है, देख रहे हैं, ये यूट्यूब हमारे ही लॉगिन का दिखा रहा है, ओके, दूसरे का नहीं दिखा रहा है। चलिए मैं इसी से आपको बता देता हूं, व्हाई इट इज नॉट कमिंग, तो एक्चुअली इसमें आपका कोई बात नहीं है, मैं इसी से ही बता दूंगा आपको। तो YouTube, तो यहां पर आप अगर देखें तो योर वीडियोस, सबसे पहले यहां पर हम क्लिक करते हैं, ओके। तो यहां पर आप देखिए योर चैनल, आपका जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा यहाँ इस नाम से आएगा यूट्यूब पे, और डैशबोर्ड है, देन कंटेंट है, प्लेलिस्ट है, आप क्या करना चाहते हो। तो जब आप क्लिक करते हो कंटेंट पे, तो आपका यहाँ पर आप देखिए अपलोड वीडियोस आ रहा है, ओके। और यहाँ पर कोई वीडियोस हमने अपलोड नहीं किया है। जब आप फर्स्ट टाइम अपलोड करने जाते हैं तो 15 MB से ज्यादा कोई वीडियो आप अपलोड यहाँ पे नहीं कर पाते, वो यहाँ पर क्या देता है, एरर देता है। तो उस एरर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बेसिकली वो कहता है कि आपका मोबाइल नंबर
इस पर्टिकुलर आई मीन्स यूट्यूब के साथ में क्या होना चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए। तो अगर वो इंटरफेस हो जाएगा तो अनलिमिटेड साइज जो है वीडियो का वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो आई कल मैंने इसको जब भी मैंने इसको यूज किया था तो ऑलरेडी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया था, और इसके बेसिस पे क्या है कि लार्ज साइज हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों में से कोई भी अगर चाहे तो बाई साइड आप ओपन कर सकते हो और देख सकते हो कि अगर कोई फाइल की साइज 15 MB से ज्यादा है तो एरर देगा। तो एरर देगा बेसिकली क्या है कि वो आपसे एक ओटीपी वगैरह भेजेगा आपके मोबाइल फोन पे, और वो ओटीपी आपको मोबाइल फोन में डाल के चेक करना होगा। ओके, तो एक पार्ट मुझे दिखाना था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाय द वे अभी मैं ट्राई फिर से करूंगा। लेट अपलोड द वीडियो, जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा सेलेक्ट फाइल कर रहा है। अब आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी मोबाइल फोन से है, आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के लिए आज जो हमने डाउनलोड किया है ओके स्क्रीन कैप्चर, इसी को मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप जैसे अपलोड यहाँ पर करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा, उसके करस्पॉन्डिंगली ये अपलोड हो जाएगा। देन यहाँ पर आप देखिए टाइटल नेम, आप कोई भी इसका टाइटल दे सकते हो, आप अपने लेक्चर का, लेक्चर मान लीजिए 1 है या कोई सब्जेक्ट है, पार्ट है, वो टाइटल आपने दे दिया। देन डिस्क्रिप्शन, इसमें आप कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या इसका आउटकम्स होगा इस लेक्चर का, पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे ओके, और इसमें क्या क्या कंटेंट आप कवर करेंगे, वो सारे चीज आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। 5000 वर्डिंग रहता है, उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। दिस इज फॉर यूजी ओके। देन आपका थंबल नेल होता है, मतलब जो आपका वीडियो यूट्यूब पे दिखेगा उसका फर्स्ट लुक जो होता है वो कैसे दिखेगा। तो आप यहाँ पर कोई फोटो वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, फ्रंट पेज जो होता है बेसिकली, या कोई आप पर्टिकुलरली पोस्टर डाल सकते हैं, या समथिंग जो भी आपका डिजायर, कोई पिक्चर डाल सकते हैं ओके, किसी बुक का पिक्चर डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थंबल नेल है। दूसरा है प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट जो है बेसिकली क्या होता है कि काफी इंटरेस्टिंग होता है। अगर मान लीजिए आप दो दो सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दो सब्जेक्ट लेता हूँ, एक DIC है, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरा डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब क्योंकि जो वीडियो मैं बनाऊंगा ये दोनों क्लासेस के लिए अलग अलग होगा ओके, तो आपको प्लेलिस्ट में जब भी कोई सर्च करे और DIC सर्च करे तो बेसिकली उसको सारे वीडियोज जो है इसमें आ जाने चाहिए। तो DIC अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो वीडियो होगा वो DIC में जाएगा। अगर मैं DCN में क्लिक करूंगा तो जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं वो आपका DCN सब्जेक्ट में जाएगा ओके। तो प्लेलिस्ट इसी के अकॉर्डिंग आपकी बनती चली जाएगी। नया प्लेलिस्ट बनाना है तो न्यू प्लेलिस्ट यहां कर लीजिए और इसका नाम दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए EMI ओके, एक सब्जेक्ट का नाम है, मैंने EMI दे दिया और इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो आप देखेंगे एक तीसरा सब्जेक्ट भी EMI बन के आ गया। तो जितना भी आप इसमें ऐड करना चाहें प्लेलिस्ट में आप ऐड करते जा सकते हैं। किस लिए है? फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ योर वीडियोस, किसके लिए आप ये वीडियोस बना रहे हैं, वेदर इट इज फॉर योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट XYZ ओके। तो यहां पर हो गया, डन कर दीजिए। देन ऑडियंस में ये पूछता है कि किसके लिए है, तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जो भी बच्चों के लिए है तो इसमें अदरवाइज नो फॉर द किड्स, तो उसमें क्या होता है कि कोड और सिक्योरिटी वगैरह मांगता है, तो जनरली हम लोग एस इट इज मेड फॉर किड्स कर देते हैं। तो इसमें और फिर ज्यादा प्रोसीजर पूछने का नहीं रहता है ओके। देन सो मोर में अगर आप करें तो आपको और भी बहुत सारा चीज यहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा, आप इसको हिट एंड ट्राई करिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चैट, अगर मान लीजिए कोई आपका इंटरनेट पे सर्च कर रहा है ओके, और DIC के नाम से शॉर्टकट में डाला, तो जो टैग यहाँ पर आप डाले रहेंगे
वही ऑटोमेटिकली आपका सबसे पहले वो मैच करके वहां पे शो कर देगा। तो एक आपका जस्ट व्यू बढ़ाने के लिए और सर्चिंग में सबसे पहले आने के लिए एक टैग जो होते हैं इम्पोर्टेंट होता है किसी भी YouTube वीडियो को बनाने के लिए। तो बेसिकली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और भी मेथड है जो कि हम लोग इसमें डाल सकते हैं, इतना सफिशियंट है आई होप। देन आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वीडियो एलिमेंट चेक विजिबिलिटी ए अपना चेक कंप्लीट करता है, नो इश्यू फाउंड। ए भी चेक करता है कि कहीं से आपने वीडियो को एज इट इज कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, समथिंग लाइक दैट, ये आप ही का है या किसी और का है समथिंग। तो अपना इंटरनल मैटर है यूट्यूब का, वो अपना करेगा। देन नेक्स्ट एंड चेक ओके, कॉपीराइट नो इश्यू बिकॉज इट इज मेड आवर वीडियो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे विजिबिलिटी आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा। देन सेव और पब्लिश। मान लीजिए आप नहीं चाहते हैं कि ये अभी पब्लिश हो इस वीडियो को, तो आप इसको प्राइवेट रख लीजिए। ओके, आप इसको अभी पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, या किसी प्राइवेटली आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर प्राइवेटली कर दीजिए। अनलिस्टेड, इस लिंक को आप एनीवन विद द वीडियो लिंक कैन वॉच योर वीडियो, तो आपको कोई भी इसको देख सकता है। ओके, लिंक के माध्यम से तो आप यहां पे कर सकते हैं। एंड लास्ट में पब्लिक, अगर आप एकदम इंश्योर हैं कि आपका वीडियो एकदम ओके है और इसके बेसिस पे पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, तो आप यहां पर क्या करेंगे, पब्लिक कर देंगे। ओके, और वो फिर ऑन द एयर हो जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंगली आप क्या कर सकते हो, फिर आप उसको नहीं कर पाओगे, जो भी होगा पब्लिक डोमेन में वो देखेगा जिसके पास इंटरनेट आएगा। सो प्राइवेट अभी मैं रखता हूं क्योंकि मुझे तो इसको एज ए एयर करना नहीं है, तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट रखा। ओके, और आप देखो तो यहाँ पर 4:13 मिनट का ये आपका पर्टिकुलर ये वीडियो यहाँ पर अटैच हो गया है, और इस वीडियो का लिंक भी बन गया है। ओके, और इस लिंक को आप कॉपी करके किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। देन यहाँ पर हमने सेव कर दिया। आप जब इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो कंटेंट है, पहले यहाँ पे कोई वीडियो नहीं था। ओके, और यहाँ पर ये वीडियो हमारा अपलोड हो गया है जो हमने बनाया था, जो क्लास लिया था। अब चाहे वो ऑनलाइन क्लास लिया हो, मीट या जैम बोर्ड के थ्रू लिया हो, या पीपीटी के थ्रू लिया है, किसी के थ्रू आपने लिया हो लेक्चर। एंड ये अभी आप देखिए स्टेटस विजिबिलिटी अभी प्राइवेट है, मैंने इसको प्राइवेट रखा है। ओके, और डेट अपलोडेड का डेट है, कमेंट्स है, व्यू है। एंड अच्छी बात यह है कि इसको कभी भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए डिटेल्स, एडिट करने के लिए आपका ये डिटेल्स आ जाएगा। अगेन वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। ओके, देन आप यहाँ पर देखिए एनालिटिक्स, एनालिटिक्स मतलब आपके कितने व्यूज आए, कितने कमेंट्स आए, लाइक दैट। जब पब्लिक डोमेन में जाएगा तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें आएंगी। देन कमेंट, कौन उस पर कर रहा है। ओके, वी ऑन यूट्यूब देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि बेसिकली आपको टाइटल एडिट करना है या इसका शेयरेबल लिंक चाहिए, वो लिंक मिल जाएगा। एंड अगर इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो हमारे काम का नहीं है, देन आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डिलीट का ऑप्शन भी आता है। ओके, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन फाइंड आउट। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। हेलो सर, आ रही है आवाज सर? जी जी, तो यहाँ पर गेट ए शेयरेबल लिंक अगर हम करें, एक्चुअली हमने प्राइवेट कर रखा है तो इसलिए इस पे नहीं मिल पा रहा है, तो इसको मैं आई थिंक थोड़ा सा पब्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, पब्लिश करके। ओके, तो ये जब पब्लिश हो जाएगा देन इसका लिंक हमें मिलना चाहिए। या लिंक लेने के लिए एडिट पे चले जाएं,
यहाँ पर हमारा लिंक ऑलरेडी आ रहा होगा कहीं पे, ये वाला लिंक, ओके कॉपी कर लिया है। नाउ लेट ओपन द न्यू टैग, हमने एक नया टैग खोल लिया है और हम देखना चाहते हैं कि जो यूट्यूब पे हमारा है वो है कि नहीं है, राइट। इसको ओपन कर, तो होप यू अंडरस्टैंड द थिंग कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको अपलोड कर रहे हैं और कैसे इसका लिंक बन के आ रहा है, ओके। और कभी भी आप चाहें तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं, आप अपने लॉगिन के थ्रू रहेंगे, ये आपका ही लॉगिन है, ओके। और इसके करस्पॉन्डिंगली है, इसमें वही है कि आपका एक बार मोबाइल वेरीफाई होना चाहिए। तो एक बार जो यहाँ पे एरर आएगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप इसका साइज देखेंगे तो बड़ी है, 83 MB है, तो ये आसानी से नहीं होगा। 15 MB पे आपका, 15 MB से ज्यादा फर्स्ट टाइम यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो एरर आएगा, उस एरर से जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको खुद ही स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन देगा कि यू हैव टू रजिस्टर योर मोबाइल नंबर एंड गेट द OTP एंड दैट OTP विल बी फीड इन दिस फील्ड, सब वो आपका कनेक्ट हो जाएगा, ओके। सो I think you get the exposure how we are going to upload our videos, lectures in that constant, okay. So यहाँ पर कोई भी चीज आपको पे नहीं करना है, सारा चीज ऑनलाइन है। मैंने अब मुझे लगता है हम टाइम से ज्यादा ओवर जाते हैं, तो हो कि इतना हो गया है। एक लास्ट चीज है, आपने लेक्चर बना लिया, वीडियो अपलोड कर दिया, बच्चों को ऑनलाइन भी क्लास ले लिया मीट और जैम और इन सब के साथ में, बट अगर असेसमेंट करना है तो आप कैसे असेस करोगे, ओके। तो उसके लिए जैसे हमने मान लीजिए क्विज लेते हैं, हम लोग क्विज लेते हैं, तो क्विज वगैरह का फॉर्म जो बनता है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्म। यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं पे फॉर्म का ऑप्शन आ रहा होगा, आई थिंक दिस वन फॉर्म, ओके। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जो है एक नया कोई ब्लैंक फॉर्म बना लीजिए, कई सारे यहाँ पे फॉर्म बने हुए ऑलरेडी, टेम्पलेट रहता है जिसको आप ले भी सकते हैं या आप खुद से नया बना सकते हैं। तो अनटाइटल्ड है, यहाँ पर आप इसका कुछ टाइटल दे सकते हैं, ओके। देन फॉर्म का यहाँ पर आपने टेस्ट वन दे दिया, ओके, टेस्ट फॉर UG कर दिया, ओके। नाउ यहाँ पर ऑप्शन आपने दे दिया, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि पैराग्राफ है कि शॉर्ट आंसर लिखवाना है, क्या लिखवाना है वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। देन यहाँ पे आपने ऑप्शन दिया और कई ऑप्शन अगर आपको देना है तो यहाँ पर ऑप्शन ऐड भी कर सकते हैं, ओके, ऐड ऑप्शन, ऐड अनदर ऑप्शन, ठीक है। तो चार ऑप्शन देना है तो यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे ऐड ऑप्शन का, यहाँ पर ऐड होता जाएगा, ठीक है। आपने गूगल फॉर्म आई थिंक MS माइक्रोसॉफ्ट में भी देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी, तो वहां भी ऐसे ही हम लोग क्विज वगैरह देते हैं। ऑप्शन में आप कुछ लिख सकते हैं, 1, 2, 3 जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्वेश्चन दे सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, ओके। तो कुछ इस टाइप का आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, देन टेक्स्ट। तो एक फॉर्म जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको आप सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम में फॉर्म आपको रोहित सर ने बताया होगा, उसी हिसाब से गूगल में भी फॉर्म होता है और इसको हम लोग दे सकते हैं, बच्चे इसको फिल करके आपको रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर आप उनका रिस्पॉन्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये आपको बताया जा चुका है, देन आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग कि इसमें कैसे हम लोग इसको ले सकते हैं क्लास के बेसिस पे, असेसमेंट करना है, फीडबैक लेना है, पोलिंग करना है, तो ये फॉर्म हम लोग क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म ही एक ऐसा है कि जिसको हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस ऐड करके, आप यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पे करते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन ऐड होता जाएगा। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन वन हो गया, ये आपका क्वेश्चन टू हो गया, ओके। तो इस टाइप में आप यहाँ पर ऑप्शन ऐड करते जाएंगे, ऑप्शन बनता जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या ड्रॉप डाउन क्वेश्चन है कैसा है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके।
तो फॉर्म इज अनदर इम्पोर्टेंट कंटेंट जो कि मुझे आपसे डिस्कस करना था. एंड आई थिंक द पीपीटी का जो कंटेंट था वो पूरा हो चुका है मेरे साइड से. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो. आई वुड लाइक टू आंसर दोस क्वेश्चन. थैंक यू. अगर आप लोग हाँ ओके थैंक यू सर. बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आपने शेयर की हम लोग से और डेमोन्स्ट्रेट करके. मेरे ख्याल से सबको ही समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी इसके बाद किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं. किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, तो आप फिर से अभी हमारे पास है मौका. सर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं तो आप पूछ सकते हैं सर से. मेरे ख्याल से सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और बहुत ही अच्छे से सर आपने आज बताया हम लोग को कि YouTube के माध्यम से कैसे हम अपने लेक्चर्स को कैसे हम अपने डिवाइस के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके कैसे इसे अपलोड कर सकते हैं. ये सबके लिए बड़ा ही जिज्ञासा का विषय था, क्योंकि हम सारे टीचर्स ये चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी चीज़ों को YouTube पे डालें ताकि अन्य जो भी स्टूडेंट हैं वो उसको एक्सेस कर सकें और उसका लाभ ले सकें. जी मैम. हाँ जी सर. और इसके साथ ही सर आपने ड्राइव के बारे में जो जानकारी दी बहुत अच्छी जानकारी दी. एक्चुअली हम लोगों को भी क्या है कि हम लोग मीट से या जूम से पढ़ाते तो हैं, लेकिन किस तरह से हम अपना जैम बोर्ड के थ्रू यानी अपने मेरे मोबाइल में ही मेरे डिवाइस में ही सारे बोर्ड हैं. आपने बताया व्हाइट बोर्ड है, जैम बोर्ड है जिसका हम यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली जो भी कुछ हमें क्लियर करना, क्योंकि कई बार ऐसा आता है, ऐसा होता है कि बिना लिखे बच्चों को नहीं समझ में आता चीजें. तो पीपीटी तो ठीक है, पीपीटी एक ही है एक ऑप्शन, लेकिन उसके अलावा जब बोर्ड हमारे पास है तो हम क्यों ना यूज करें. तो बस उसके लिए मैम यही है कि एक इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रहता है. जैसे आपका राइटिंग पैड जो होता है डिजिटल राइटिंग पैड, ये 3,500 से लेके आपके 5,500-6,000 के बीच में आता है. और इसको एक बार अगर आप परचेज कर लेंगे तो कभी भी ऑनलाइन आप जैसे बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं पढ़ाते हैं सेम एक्सपीरियंस हमें होगा जब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे. और बेसिकली जब हम वीडियो इसको रिकॉर्ड करेंगे तो उस फ्लो में करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के साथ में करेंगे, तो कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा. और जैसे एज पर्सन हमारे फैकल्टी कोलीग्स हैं तो उनको प्रॉब्लम ये होता है कि भाई पीपीटी नहीं बना पाते हैं, या बेसिकली ये होता कि उतना ज्यादा एफिशिएंट वे में नहीं हो पाता है, बहुत चीजें कलेक्शन में लगता है. तो वो चीजें बचाने के लिए ये आपका ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग कॉन्सेप्चुअली बड़े स्ट्रांग होते हैं और लिख के बहुत सारी चीजें वो बता सकते हैं. तो उनके लिए ज्यादा प्लेटफॉर्म अच्छा है कि एमएस वर्ड यूज कर सकते हैं. उसमें आपको मीट की भी जरूरत नहीं है. एमएस वर्ड और रिकॉर्डर आप कर दीजिए, अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए और यूट्यूब पे डाल दीजिए. वो भी सफिशियंट है कि बच्चों को समझ में आ जाए. अगर मान लीजिए 50-60 क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें ऑनलाइन के थ्रू रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दें तो बेस्ट है उसमें. नहीं सर बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी दी. और अब मैं अपने ही विद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट की सहायक आचार्य डॉक्टर आस्था प्रकाश मैडम को आमंत्रित करती हूँ. प्लीज आप आए और सर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें. हेलो. थैंक यू रेखा मैम. हाँ मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके द्वारा इतनी अच्छी जानकारी दी गई, इतनी सारी जानकारी दी गई. और ये सभी जानकारी ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि पिछले एक साल से हम लोग इसके बारे में आधी अधूरी जानकारी रखे थे और भटक रहे थे इसमें, क्योंकि हम लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए थी जिससे हम लोग इस पर अपना जो भी अपना टीचिंग मटेरियल है उसको हम लोग इस पर अपना डेवलप करें और एक अच्छे प्लेटफॉर्म में बच्चों के सामने इसको लाया जाए. तो सर इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद. दूसरी बात ये सर कि एक शिक्षक तभी सफल होता है जब उसके शब्दों में सरलता हो, और सर ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा था. आपने इतने आसान शब्दों में सारी चीजों को रखा कि ये मतलब इतना जटिल हम लोग के लिए लग रहा था पहले, लेकिन जैसे ही आप उस चीज को बताना शुरू किए वो चीजें बहुत ही आसान लगने लगी. और लग रहा था कि इन चीजों को अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो हम लोग जरूर बहुत अच्छा वीडियो बना करके बच्चों के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं.
तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा इतने सरल शब्दों में इतनी सारी जानकारी हम लोगों को दी गई, जिससे हम लोग जरूर आगे जा करके इसे लाभान्वित हो सकते हैं। और इसके साथ ही मैं महाविद्यालय परिवार की डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिनके कारण ये जो प्रोग्राम है वो हमारा सफल हुआ, और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मैडम के द्वारा करवाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता हम लोग को पिछले काफ़ी दिनों से लग रही थी। हम लोग निरंतर मैम से बता भी रहे थे कि मैम इस तरह का कोई प्रोग्राम करवाइए जिससे हम लोग इसका लाभ ले सके। तो इसके लिए मैं महाविद्यालय के प्रबंधक प्राचार्य और डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम सभी शिक्षकों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दी, एक अच्छे ऐसे गाइड को दी जिससे हम लोग को बहुत अच्छे से बहुत ही सरलता से हर चीज सीखने को मिला। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, धन्यवाद आस्था मैडम, थैंक यू सो मच मैम। वास्तव में आपने सही कहा कि सर ने बड़े ही सरल तरीके से हम लोगों को चीजों को बताया डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, और एक एक स्टेप को बहुत ही रुक रुक करके एक एक चीजों को क्लियर किया। तो इससे वास्तव में थी हम लोग को जानकारी इस बारे में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी, और बहुत जगह ऐसा था कि हम डाउट में आते थे या कंफ्यूजन में आते थे, तो वो सारे कंफ्यूजन हमारे ख्याल से हमारे सभी प्रतिभागियों के रिमूव हुए होंगे। और सर आपने हमारा आमंत्रण सहज ही स्वीकार किया और इतने दो दिनों तक अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इतनी अच्छी अच्छी हमें जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीर्घायु हो और इसी तरह स्वस्थ रहें और हमारा आमंत्रण आगे भी सर आप स्वीकार करें इस अपेक्षा के साथ, और आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप लोगों का हमेशा आभारी रहूंगा कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपके महाविद्यालय में मैं अपने विचार को व्यक्त कर पाया, और आगे भी अगर आपको इस टाइप की कोई भी चीजें अगर आपको लगता है कि हमारी सेवाएं आपको चाहिए तो मैं जरूर उसके लिए रहूंगा, प्रयासरत रहूंगा, और मेरे लेवल तक जो भी हो पाएगा मैं उसको डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा मैम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर हाईली कोऑपरेशन एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबने मतलब कोई वॉइस नहीं आ रही थी, सारे लोग बड़े ही तल्लीनता से और अपना म्यूट करते हुए अपने माइक्रोफोन को आपके इस ज्ञानप्रद बातों का हम सभी ने सभी प्रतिभागियों ने लाभ उठाया और सभी ने सहयोग किया। इसके लिए सभी प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम पुनः 2 बजे जुड़ेंगे। आज हमारा थोड़ा सा शुरू में नेटवर्क नहीं साथ दिया तो मैं टाइम से नहीं जुड़ पाई, इसका मुझे अफसोस भी हुआ, सॉरी इसके लिए, और पुनः कल हम मिलते हैं इस बात के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।